दोस्तों टूर की हमारी पहली जो शॉपिंग है वो होने लगी है विनायका सेल से। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड, विनायका सेल शास्त्री नगर में, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से आना है आपने, और हार्डली मेरे हिसाब से मुश्किल से 200 मीटर के आसपास होगा। अब यहाँ से कुछ सामान लेंगे, बताऊंगा तुम्हें क्या लिया। तो दोस्तों डी कैथलोन से बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर एक बार विजिट करो, सेम सामान बहुत कम रेट में और बड़े रेट पे आपको मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि मेन मैं क्या क्या सामान ले रहा हूँ, मुझे ज्यादा सामान चाहिए नहीं, बट जितना भी चाहिए मैं दिखाऊंगा आपको। स्नो के लिए होता है, दिखाऊंगा। हाँ, वाटर प्रूफ होगा ना, इसमें भी देख ऐसे दिखाना कशिश, इसमें देखिए पानी अंदर जाता नहीं, देखिए नहीं जाएगा, पूरा पैक होता है, पानी अंदर जाने का मतलब नहीं, पानी नहीं जाता ना अंदर। क्या प्राइस है इसका? 950 का। ये गेटर सही है, ऐसे लगता है ये गेटर सही जगह, वाटर प्रूफ होते हैं ये, तो इसमें कहता है पानी जाएगा ना बिल्कुल भी अंदर तेरे, और पैंट वेंट भी गीली नहीं होगी, बर्फ इतनी से कम से कम स्नो तो होगी। और ये है 650 का पेयर, और ये है भाई 950। और सब ये ली है पजामा और टी शर्ट, मात्र भाई इसका रेट है 450 रुपया। और अंदर से देखो भाई कपड़ा ऐसे का गर्म है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह यहाँ से हमने लिए कुछ चीज़ें, एक तो हमने ये लिया है, ये शूज़ के ऊपर डालते कि भाई वाटर प्रूफ है ये, और ये हमने लिया एक इनर 450 रुपये का, पजामा और मतलब टी शर्ट दोनों हैं। ये ग्लव्स हैं 200 रुपीज़ के, वाटर प्रूफ हैं, और ये एक कैप है ये भी 200 की है, और ये अपने शूज़ है वाटर प्रूफ, ये अपने 950 के। शास्त्री नगर से निकल चुके हैं हम, अब जा रहे हैं कश्मीरी गेट। जो सामान लिया तुमको दिखाई दिया भाई, क्या सामान लिया है भाई, आए थे अब कश्मीरी गेट बाकी सामान लेने के लिए ट्रिप के लिए, और सामान हमने क्या क्या लिया है, जैसे ये है ना, ये हमने लिया है, ये थोड़ा साइज़ छोटा है, हमने लिया इसमें बड़ा साइज़ 8000 किलो का, और एक हमने भाई और की किताब, एक ये हमने लिया भाई टो के लिए, ये हैवी है, और वाइपर ब्लेड्स लिए हैं, और थोड़ा बहुत और गाड़ी का सामान लिया, वो जब लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो मिलते हैं अगली मार्केट में। हाँ, सो दोस्तों गाड़ी की शॉपिंग करने के बाद और थोड़ी बहुत स्नो की शॉपिंग करने के बाद अब हम आए थे दिल्ली में, ये देख रहे हैं फैक्ट्री आउटलेट है ओखला में। सो यहाँ से कुछ कपड़ों की शॉपिंग करी है हमने, कुछ ट्रैक पैंट्स लिए हैं, कुछ टी शर्ट्स लिए हैं, और थोड़ा बहुत सामान लिया है। सो आज का सारा दिन शॉपिंग में ही लग गया, और तैयारी चालू है अपने ट्रिप की। सो देखते रहिए चैनल और बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल इंडियन रोड रेंजर। सो पहुंच चुके हैं घर, टाइम हो चुका है भाई 8 बज चुके हैं, आज का सारा दिन ही मेरा मार्केट में निकल गया, और अभी भी हमारा सारा काम हुआ नहीं है, अभी काम अभी काफ़ी रह रहा है। सो मैं एक ही वीडियो में कि सारी चीज़ डाल दूंगा, आज की शॉपिंग भी, और जब इसको इंस्टॉल करूंगा तब भी दिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ मैं लेके आऊँ, ये चीज़ डलने के बाद सही लग रही है कि नहीं लग रही। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है, अर्ली मॉर्निंग, नहाया नहीं, सिर्फ नाश्ता किया है, सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल गया हूँ, क्योंकि ये काम करवाना आज अर्जेंट था, फिर वीकडे से मुझे टाइम मिलता नहीं यार करवाने का। और भाई जाम कैसे लगा रहा है ये, तो फिर भाई पहले दिखाते हैं क्या क्या सामान है अपने पास लगाने वाले, और चलते हैं पहले शॉप पे, फिर मिलता हूँ आपको, है ना। जो फोकलर ऊपर छत पे लगनी है, ये हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न, ये आगे लगे ग्रिल पे, ये भी लाइट है, इसके लिए प्रेशर कहाँ से दिया जाएगा, मोटर है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया, ये दोनों तो एक सेट हो गए, ठीक है, तो ये तो होगी एक चीज। अब इसके अलावा ये जो है ना, ये देखो होगा, अब ये मिला जो मिला अभी तो, और फोक लाइट है ये, इसको ना हमने काला पेंट मारना है, या काला कोई ब्रश मार देंगे से पेंट लागे ना, काला स्प्रे मार देना, हाँ स्प्रे मार दे काला इस पे, ये वाली एक ये भी है, हाँ अब इसको देखते आगे के लगाना कहाँ पर, वो लाइट है वहाँ लगवा रहे हैं ऊपर छत पे, और देखिए भाई ये वाली एक, ये जो है अपनी LED छोटी वाली, इसको यहाँ लगाएंगे कहीं, कटिंग वटिंग करेंगे इसकी।
भाई ये लग गया हॉर्न गाड़ी में, और ये अपना था ब्लू का, तो इसको भाई ब्लू से ब्लैक किया है क्योंकि ब्लू थोड़ा सा लगता है ऑर्डिनरी, स्काई ब्लू था, तो इसको कलर को प्लास्टिक को बाहर ब्लैक पेंट किया। दोस्तों गाड़ी यहाँ पर छोड़ के मुझे भाई घर छोड़ने जा रहा है, कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों बच चुके हैं 8 और आए हुए थे गाड़ी लेने, और अभी तक यार काम हुआ नहीं है कंप्लीट, अभी चल रहा है काम, अभी भाई लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ चेक किया भाई अभी तो बहुत वैलेंट लग रही है भाई, लाइटें ऊपर वाली बहुत वैलेंट लग रही है, अभी भी इन लाइटें तुम्हें दिखाऊंगा चला के बाद में। तो दोस्तों ये है थ्रो अपनी लाइट का, जोन सी है मेन अपनी ब्लिंक वाली पहले वाली, अभी जा रही है वापसी में, तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा एक बार। ये लाइट लगवा तो लेकिन वर्थ भी है, अच्छी भी लग रही है, छोटा सा काम और रह गया है, छोटा भी है और ये बड़ा भी है, और चलते हैं आज नोएडा। बहुत ज्यादा वैरायटी है सेकंड हैंड टायर्स की, मैं पुराने टायर्स लूंगा, सेकंड हैंड टायर्स लूंगा, बट अच्छी कंडीशंस के टायर लूंगा, सो चलते हैं नोएडा। दोस्तों एक ना कहावत है कि मैंने सुनी है बहुत जगह के, अनप्लैंड ट्रिप्स आर द बेस्ट बिकॉज प्लान ट्रिप होती नहीं है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, मेरी जोन से भी ट्रिप होती है, मेरी पूरी प्लान ट्रिप होती है, मैं हर एक चीज प्लान करके चलता हूँ, हर एक चीज। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं भाई, ये मेरे को पड़ा है मेरे घर से फरीदाबाद से यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर, ऑलमोस्ट देयर। ये रहा सामने कारनेशन, कारनेशन पे तो हम पहुंच चुके हैं, और ये हमको एंट्री कहाँ से करनी है इसकी, यहाँ से कर लेते हैं एंट्री। चलो अब देखते हैं भाई किससे मिलना है, फिर तो मैं अपडेट देता हूँ बाद में इसकी। भाई टैलेंट है अपना पूरा, यहाँ पर भी टायर है और यहाँ पर भी, अंदर भी तुम्हारे वाले टायर है ना, ये देखो पुराने पुराने टायर, ये योकोहामा है, ये डल्लम जो डले हुए तुम्हारे जो डले हुए। अच्छा ये 4 टायर लिए योकोहामा के, सामने गाड़ी पे लगाएंगे, भैया से लिए नोएडा से है भैया, कहाँ पर ना एड्रेस क्या पड़ता है मोटा मोटा बताओ। ये गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन है, यहाँ पे तिगड़ी गांव पड़ता है, हमारा कंपनी से टाइप है, छोटे छोटे पंचर कॉर्नर पे पंचर होता है जिसे हम लोग बनाते हैं और फुल गारंटी में देते हैं, आप नए का इस्तेमाल करो, पूरा 50-60 हज़ार किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत आए तो मैं पूरा एकदम गारंटी में रखता हूँ। आप में भाई तो पूरी टायर की क्वालिटी भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वालिटी और सर्विस। ये देखिए इसमें पूरा कम से कम 90-95% माल है, कोई भी टायर उठा लो भाई, कोई सा भी टायर कोई भी उठा लो, ये देख लो
फुल माल टायरों पे होता है। अभी हमने इसका पॉलिश नहीं करा, अगर हम इसको पॉलिश करके चमकाते हैं तो ये और मतलब आपको नया जैसा दिखता है बिल्कुल। लेकिन अपना थोड़ा अलग स्टाइल है टायर बेचने का, या आप ओरिजिनल टायर देखो पहले बिल्कुल, उसके बाद आप बोलो तो मैं आपके सामने चमका दूंगा। लेकिन पहले जैसे टायर जिस कंडीशन में है उसमें आप टायर चारों को एक साथ रख के देख लो कंडीशन, बस ये मिट्टी लग रहा है इसमें। अभी साफ करने के बाद साफ कर दूंगा तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन दिखेगा आपको बिल्कुल। ये साफ करने के बाद जब टायर इंस्टॉल करके फिर तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा एक बार कि भाई क्या इसकी प्रॉपर लुक क्या आ रही है फाइनल। और क्वालिटी तो भाई क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है। चालू हो चुके हैं, एक तो हो चुका चेंज, इसकी कंडीशंस देखो भाई क्या तगड़ी कंडीशन है टायर। तो गैस टायर्स डल चुके हैं चारों, यहाँ से निकलने की तैयारी है भाई। टायर कंडीशन बहुत बढ़िया है, अब कुछ उसको चला के देखे बाद में कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है टायर्स का। अब यहाँ से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद भाई मिलते हैं अब ट्रिप पे सीधा। नो पैकिंग में, पहले पैकिंग में फिर ट्रिप पे। बाइस सो गाइस, आज का काम हो चुका है अपना फाइनल, जाने की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस एक छोटी सर्विस रहती है गाड़ी की, वो करवानी है और फिर वी आर गुड टू गो। और टायर्स की अभी तक की बात बताऊं तो यार अच्छे लग रहे हैं, मतलब थोड़ी सी ना पकड़ गाड़ी की और अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। सो बाकी बातें बाद में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ चीज अच्छे लगे तो भाई बता दो कमेंट में, कुछ चीज बुरी लगे तो वो भी बताओ कमेंट में, ठीक है। सो भाई देखते रहिए, चलो बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आने वाला है और बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है आने वाले टाइम पे। कुछ दो तीन नहीं 5-6 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे तुम्हारे पास। और देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ, इंडियन रोड रेंजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।